बिग बॉस के घर में दिखा खाना खजाना का सीन। मास्टर शेफ बनी रुबीना और एजाज बने कुक। क्या आप घर वालों को मिलेगा लजीज खाना? टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के घर में कैप्टनसी टास्क पूरा होने के बाद सीन कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। दरअसल किचन से दूर रहने वाले एजाज खान के हाथों में है करछी और कढ़ाई, वहीं रुबीना एजाज को घर में नई डिश बनाने का नुस्खा सिखा रही हैं। रुबीना दिलायक इस दौरान एजाज को बता रही हैं कि इस खास डिश को बनाने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स को कैसे तैयार करना है और किस तरह मसाला भुनने के पहले प्याज और टमाटर का तड़का लगाना है और इस दौरान चूल्हे की फ्लेम कितनी रखनी है ताकि मसाला ठीक से तैयार हो जाए, उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स को किस समय मिलाना है और उसे कितना पकाना है, हल्दी मिर्च और धनिया कितनी मात्रा में और किस समय डालनी है और कितने समय तक उसे पकाना है, उसके बाद ग्रेवी बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी डालना है, पानी गर्म या ठंडा डालना है और पानी डालने के बाद उसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है, इस दौरान कुकिंग पैन को कितना ढकना है, इसके अलावा मसाले की सुगंध ग्रेवी में बनी रहे उसके लिए क्या उपाय करना है और खाने को लजीज बनाने के लिए क्या क्या विधि अपनानी है, ये सभी बातें रुबीना एजाज को बताती नजर आई। इस दौरान किचन में अभिनव शुक्ला भी पहुंचे, जिन्होंने एजाज की चुटकी लेते हुए कहा कि लगता है अब घर को नया कुक मिल गया है। क्या एजाज का कुकिंग सीखना कविता की उस बात का रिएक्शन तो नहीं जहां कविता ने खाना बनाकर खिलाने को लेकर एजाज को खरी खोटी सुनाई थी और एजाज ने भी कहा था कि वक्त आएगा तो खाना बनाना भी सीख लेंगे और एजाज अब उस बात को सीरियसली लेते दिखाई दे रहे हैं। वैसे शेफ बनी रुबीना और कुक बने एजाज के बीच घर के भीतर अब रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि घर में इस नए समीकरण को बाकी सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया मिलती है। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुँचाएं।